श्री कृष्ण एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी आज है खरना पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को खरना पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैं मार्केट करके आ चुकी हूँ। मतलब सारी छठ पूजा की जो भी खरीदारी थी वो सब कुछ हम लोग करके आ चुके हैं, तो वो मैं आपको इस क्लिप के बाद दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदारी की है और हम कहाँ गए थे। तो वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस क्लिप के बाद। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊं कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं कल नारियल पानी लेकर के आई थी। तो आज है खरना पूजा, यानी कि 6 नवंबर, 5 नवंबर को था नहान खान और 6 नवंबर आज है खरना पूजा। तो आज के दिन भोर में उठ करके जो व्रत करती हैं, यानी मेरी मम्मी 3 से 4 बजे के बीच उठ करके नारियल पानी और चाय वो पीती। अब वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएंगी, कुछ भी नहीं पियेंगी। सीधे शाम में जो खरना पूजा जब शुरू होगा, मैं आप लोग को शेयर करूंगी वो सब चीज़ें, तो मैं आगे आगे बताऊंगी। उसके बाद ही मम्मी कुछ अन्न लेंगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या होता है खरना पूजा में और हम लोग कैसे खरना पूजा मनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि आज हम लोगों ने क्या क्या खरीदारी की और हम लोग कहाँ गए थे। तो ब्लॉग में चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, कहाँ चले हम लोग? हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा का सामान लेने। तो तुम इतना सोच के क्यों बोल रहा है? अच्छे से बोलो, कहाँ जा रहा है? छठ पूजा का तैयारी के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम सुनो सुनो, इधर देखो, वो तो ठीक है लेकिन तुम पिज्जा कैसे खाएगा? तुम्हारा बीच का दांत नहीं है। बोला छठी मैया की जय। हम लोग का फल का खरीदारी हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं माखी सूप ये सब खरीदने। तो चलिए वहाँ दिखाते कैसे क्या क्या मिलता है। अब उस मार्केट में हम लोग चलते हैं। दिखाओ उधर, कैमरा मैन फोकस करो। अब सब मार्केट पहुँच गए, हम आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे छठ पूजा में हम लोग का माहौल रहता है। आइए। और ये देखिए यही मार्केट है जो हम कल लेकर के आए थे आप लोग को, आज यही मार्केट हम अच्छे से घुमाएंगे। हम सब मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले हम लोग फल वगैरह लेंगे, जो भी फल लेना है। यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि लेना क्या क्या है। यहाँ से फल की खरीदारी हो रही है और अंदर कुछ ऐसा सा मार्केट अभी लग रहा है। कितनी सुंदर रौनक है छठ पूजा में, देखिए। बस ये छठ पूजा में इतना सुंदर लगा रहता है। और जब से जैसी छठ पूजा पूरा होगा ना, फिर मैं दिखाऊँगी कितना सन्नाटा हो जाता है फिर इस मार्केट में। देखिए कितना सुंदर माहौल हो रखा है अभी। यहाँ पे दीदी भाई लोग सबको अभी फल खरीदते हैं। लग रहा है बहुत गलत, बहुत स्लो चल रहे हैं आप। धन का नाश पाती है। और यहाँ पे खरीदारी चालू है, जारी है पूरी खरीदारी। बाबू यार तुम बहुत स्लो है बाबू, थोड़ा स्पीड, ठीक है, आराम नहीं करना है। हाँ, लड्डू के लिए देखिए, ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये है केला का घोर। ये भी हम लोग छठ पूजा में ये अर्घ देने के लिए चढ़ाया जाता है। ये पूरा जो घोर होता है ना, ये पूरा ही खरीदते हैं, जो भी लेते हैं पूरा लेते हैं। और इसे इसमें भी हम लोग अर्घ भी चढ़ाया जाता है। और बस यहाँ खरीदारी हो गया। बाबू पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ना बाबू, करेगा तुम हमको इग्नोर। और यहाँ पे दीदी भी सारा खरीदारी हो गया। धीरे धीरे सब सामान हम लोग ऑटो में रखते जाएंगे, तो अभी पहले ऑटो के पास पहुँचते हैं। और ये सारा सामान अब जैसे जैसे खरीदाते जा रहा है धीरे धीरे ऑटो में रखाते जाएगा अब सब कुछ। अभी और भी खरीदारी बाकी है, फल और की खरीदारी हो गई। अब ये सब गाजर अदरक ये सब कुछ अर्घ में चढ़ता है, ये सब चढ़ा लिया जाएगा अब धीरे धीरे। देखिए दूर दूर तक, देखिए कितना मार्केट लगा हुआ। मैं आपको जूम कर करके दिखाऊंगी, देखिए कितनी दूर तक मार्केट लगी हुई है ये, देखिए। और इसे बोलते हैं आर्तक पात। इसके अंदर सारी सामग्री होती है, पंचमेवा बद्धी हवन की सामग्री सब कुछ होता है। ये बहुत ही मेन होता है जब छठ पूजा पूरा हो जाता है ना, तो जो लोग भी छठ पूजा करते हैं तो ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ना, वो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और एक खरीदारी एक खरीद ली है हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस तरफ के मार्केट में, वहाँ पे हाथी सूप वगैरह मिलता है, तो अभी आगे वहाँ बढ़ते हैं। यहाँ से एक ही खरीदारी हो गई है और अब ये एक और भी हम लोग ऑटो में रख देंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। देखिए यही सब सूप होता है, तो अभी सूप और की भी खरीदारी बाकी है, तो ये सब कुछ खरीदने अभी हम लोग आएंगे। ये सब कुछ अब रखा गया, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग खरीदेंगे हाथी। हाथी क्या होता है? ये होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे हाथी बोलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हाथी खरीदने के लिए। यहाँ से हम लोग हाथी लेंगे। यहाँ मिट्टी का चूल्हा वगैरह सब कुछ मिलता है। जो छठ पूजा में गैस पे खाना नहीं बनाते हैं, वो मिट्टी का चूल्हे पे खाना बनाते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ मिट्टी का चूल्हा आप लोगों को। इधर देखिए, इधर है मिट्टी का दिया, मिट्टी का चूल्हा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि गैस और पे नहीं बनाते हैं, जो भी प्रसाद होता है ये मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया जाता है। बहुत लोग होते हैं कि छठ पूजा के लिए अलग से गैस ले लेते हैं, तो ये है वो चूल्हा जिस पे बनाया जाता है प्रसाद। यहाँ पे हम लोग हाथी दिया ढकना
और ये पूरी हम लोग लिए हैं, इसमें घी सॉरी इसमें दही जमाया जाता है, इसमें दही जमाते ये देखिए ये पूरा सेट होता है, इसे बोलते हैं, ये जो है ये है हाथी, फिर होता है कोसी और ये होता है कुरवार, और ऊपर में दिया होता है, यहाँ पे दिया जलाते हैं, और ये जो कोसी होता है उसके अंदर में जो है ठेकुआ रखा जाता है और सुबह शाम जो है दिया जलाते हैं। हम लोग खरीदेंगे यहाँ से गमछी, गमछी यानी कि तौलिया, हमारे भाषा में इसे गमछी बोला जाता है, तो ये सारा गमछी है, तो नया गमछी खरीदाएगा यहाँ से। आज जितना भी दूर दूर तक नज़र जाएगा सिर्फ ये छठ पूजा का ही मार्केट लगा हुआ है, फलों की मार्केट इस तरफ, सूप की मार्केट, यहाँ से अभी हम लोग हाथी लिए हैं, यहाँ ये इधर है, इधर ही सूप है और इस तरफ फल वगैरह मिलते हैं, तो ये पूरी फलों की मार्केट। बस फिर ख़रीदारी करके हम लोग घर आ जाते हैं, और ये मेरी भाभी हैं जो बैठ करके छठ पूजा का सारा बर्तन धो रही है, तो छठ पूजा का जितना भी बर्तन और चूल्हा होता है वो सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हैं, तो ये जो बर्तन होते हैं ना वो बस साल में जो है छठ पूजा में ही बाहर आते हैं, और छठ पूजा के बाद फिर सारा बर्तन जो है रखा जाता है। उसके बाद मम्मी चूल्हे का पूजा कर देती हैं और फिर यहाँ पे मम्मी प्रसाद बनाने की तैयारी करती है। तो इसमें जो मेन प्रसाद होता है ना खरना पूजा में, सबका अलग अलग होता है, हमारे यहाँ जो मेन प्रसाद होता है वो गुड़ खीर और केला होता है, और साथ में हम मिठाई जो भी दे सकते हैं तो ये होता है, और बहुत लोग यहाँ ऐसा होता है कि साथ में रोटी भी देते हैं, बट हम लोगों में रोटी नहीं रखाते, सिर्फ गुड़ खीर बनती है और जो है केला और मिठाई दिया जाता है। अब यहाँ दूध गर्म हो गया, चावल डल रहा है, तो अब बस खीर बन करके यहाँ पे प्रसाद बन करके तैयार हो गया है, और अब मम्मी इसे चूल्हे से उतार देती हैं और फिर इसमें गुड़ डालती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़ खीर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, गुड़ खीर केला और मिठाई यही हमारा खरना का प्रसाद होता है। और मैंने आपको बताया था कि आज पूरे दिन मम्मी जो है बिना कुछ खाए पिए है, तो मम्मी अब सीधे जो है जो भी खाएंगी वो ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रसाद होगा, यही बस मम्मी लेती हैं, उसके बाद कल पूरे दिन ना तो कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी, परसों सुबह जब अर्घ का टाइम हो जाएगा उसके बाद ही मम्मी पारण करती हैं, इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं, और ये बहुत ही कठिन पर्व होता है। हम लोग के प्रसाद में बस गुड़ खीर और केला होता है, केला मिठाई जितना तरह का आप मिठाई चढ़ा सकते हो, मिठाई चढ़ाइए जितना हो सके उतना प्रसाद चढ़ाइए। हम लोग में रोटी नहीं चढ़ता है, हम लोग में गुड़ खीर केला मिठाई हमारा प्रसाद खरना का हम लोग की तरफ यही होता है। तो अब यहाँ खीर बन के तैयार है और अब हम रेडी हो चुके हैं और शाम भी हो गया है, तो अब खरना पूजा का तैयारी हो रहा है। तो आज का मेरा ये लुक है, मैं ऐसा ये साड़ी पहने है, पीछे ऐसे मेरा हेयर स्टाइल है, तो अभी पूजा शुरू होने वाली है, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि पूजा कैसे है हमारे। और अब खरना पूजा मम्मी शुरू कर दी है, तो ऐसे हम लोग खरना पूजा हम लोग यहाँ ऐसे मनाया जाता है। ठाकुर सब बढ़िया? सब बढ़िया ठाकुर। तो इस तरह से खरना पूजा हम लोग मनाते हैं, आज खरना पूजा है, मम्मी पूजा कर रही है, ऐसे मनाया जाता है पूजा। और ठाकुर सब बढ़िया? पूजा मनाया जाता है यार, बोलो यार, फालतू का आपका मिलियंस में व्यूज आ जाएगा, मिलियंस में व्यूज आ जाएगा। और थंबनेल क्या देना चाहिए हमको बताओ? केला का पत्ता। और हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं कुछ मेरे लिए। अरे मेरा चैनल सर्च करो, बढ़िया ठाकुर, फिर वही सवाल, अभी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। चलिए मजाक मस्ती एक तरफ, तो ये मेरे भाई का दोस्त था, बिल्कुल हमारे भाई के जैसा हमें प्यारा है, और मेरा और इसका बहुत ज़्यादा ऐसे ही चुलबुल वाला रिश्ता है, तो हम दोनों एक दूसरे की ऐसी खिंचाई करते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो आप में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि खरना पूजा होता क्या है, तो ये जो मम्मी ने भोग लगाया ना इसे नैवेद्य कहते हैं, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी, भोग कहते हैं आप इतना समझ लीजिए। तो खरना जो होता है ना, खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, तो जो भी महिलाएं आज के दिन उपवास करती हैं वो खरना पूजा में गुड़ खीर बनाती हैं, और फिर पूजा करने के बाद यही गुड़ खीर को ग्रहण करके वो छठी मैया का व्रत करती हैं। और अब बस हम लोग सब कोई बाहर आ गए, क्योंकि वहाँ पे अभी भोग लग रहा है, नैवेद्य चढ़ा हुआ तभी भोग लग रहा है, तो हम लोग सब बाहर आ जाएंगे अभी, सारे लोग हम लोग बालकनी में आके बैठ गए। बस अब भोग लगने के बाद सब कोई बारी बारी से आकर के प्रणाम करते हैं, और ये मेरे पापा हैं जो भी प्रणाम कर रहे हैं, और ये है मेरे भाई भाभी, पिछले साल ये लोग नहीं आ पाए थे बट इस साल आए हैं, और प्रणाम करने के बाद सब कोई मम्मी का पैर छूते हैं। आप देखिए मेरे पापा तक मम्मी का पैर छू रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस पर्व का कितना महत्व है। फिर जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं ना, उनको नाग प्रसाद सिंदूर किया जाता है, और हम सुहागनों के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। ठाकुर सब ठीक? बहुत उदास लग रहा है तुम, कोई दिक्कत है, कष्ट है? बोलो छठी मैया सब कष्ट तुम्हारा दूर कर देंगी, हर लेंगी।
और फिर दीदी दीदी का बेटा ये सब को ही प्रणाम करके आते हैं मम्मी से फिर सिंदूर लगवाने के लिए। और हम लोग मतलब मैं मेरे हस्बैंड और प्रथम हम तीनों प्रणाम नहीं किए थे क्योंकि हमें छठ पूजा का कोई भी सामान नहीं छूना था। इस साल हमारे घर पे कोई भी पर्व त्यौहार नहीं हो रहा है और बस उसके बाद बस मम्मी मुझे सिंदूर लगा देती फिर मम्मी को प्रणाम कर लेती हूँ मैं। और ये मेरे भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था। आई एम एक्टिव ब्लॉगर। और ठाकुर सब बढ़िया? ठाकुर तुम बहुत उदास लग रहा है। अरे यार इतना खत्म आदमी है यही। क्या करना चाहिए कुछ सजेशन दो तुम, क्या करना चाहिए हमको? ठाकुर सजेशन देगा ढंग से रहना क्या करे तो पैर ऊपर करके रहे कैसे रहना चाहिए हमको ढंग से बताओ तुम ढंग से आदमी कैसे रहता है? स्कूल जाएगा स्कूल जाएगा फिर क्या करे स्कूल सीख करके आए। कौन से स्कूल जाए जिसे तुमने पढ़ा था? शिशु विद्या मंदिर लकड़ा खंडा सरकारी स्कूल जाए हम गवर्नमेंट। तो बस हम लोग ऐसे ही हैं हर वक्त हंसी मजाक चलते रहता है। और यहाँ पे मम्मी जो अब सबको जो है नैवेद्य दे रही हैं। ये जो होता है प्रसाद ना नैवेद्य ये सिर्फ फैमिली मेंबर को ही मिलता है, बाकी सबको मम्मी जो है अलग से प्रसाद बना के रखी है वो देती हैं। और धीरे धीरे सब लोग घर में आने लगते हैं प्रसाद लेने के लिए। पति पत्नी यहाँ पे झूला का आनंद लेते हुए और ये दो जनता यहाँ खड़ी है, जनता यहाँ बैठ के खड़ी है। ठाकुर सब बढ़िया? इधर इधर तुमको समझाए थे क्या अंकल आंटी? समझाए तो तुम समझा था, जो हमको भी समझाएंगे पहले तुम बता तुम समझा था? लड़का है तो क्या हो गया? लड़का है तुम्हारा देखा देखी हम लोग भी हाथ से निकल गए, हाथ से निकल गए हम लोग। हम लोग लेट देर आए दुरुस्त आए, तुम लोग जल्दी निकल गया था। अरे आराम से खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ठाकुर। ठाकुर आया दीदी प्रसाद पा रही है और नीचे देखते हैं सब कोई क्या क्या कर रहे हैं। चलिए नीचे दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी कहाँ निकल रहा है तुम लोग, कहाँ निकल रहा है हमको ऐसे इग्नोर करके? तुम लोग हमको ऐसे इग्नोर करके क्या? ठाकुर सब बढ़िया? पान लेने? कौन खाएगा पान? पान खाएगा कौन? अरे यार तुम लोग कैसे हमको इग्नोर कर रहा है? कौन खाएगा पान ये तो बताओ हमको। सैंडल है तो पहन लो उसको। हाँ हाँ वही वही हाँ ये नहीं नहीं अरे ये ठाकुर ये पहनो ये हाँ हाँ अरे यार हील अरे वो था हील वाला वो देखो वहाँ पे भी हील है वो पहनो ब्लैक। तो तुम ये जींस क्यों पहन के आया? ब्लैक मिक्स है। अरे यार कैसे लड़की का चप्पल पहन के जा रहा है तुम घर यार? ऐसा उम्मीद तुमसे नहीं था कि तुम बोला था आज रात तुम रुकेगा क्या? नहीं नहीं अरे शर्मा क्यों रहा है? नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। कहाँ? प्लांट में करता है। जूता नहीं पहना तुम प्लांट वाला? जूता नहीं पहना तुम प्लांट वाला? तो बंद हो गया दीदी। बंद हो गया तो क्या पहनता है? लोहा पहन के जाता है। ठीक है ठाकुर बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल करके। 2 साल का था तभी तुमसे मिले थे, अब तुम 50 साल का हो गया तब मिले तुमसे, अब जाके 48 साल बाद। मतलब समझता है सलमान खान से छोटा? अरे यार सलमान खान से छोटा? सलमान खान ना तुम्हारा बैन कर देगा इंडिया, इंडिया में तुमको बैन कर देगा सलमान खान। ये ओ छोड़ो ना ठाकुर, हम तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एक कपल खड़ा है कि मेरा फोटो कोई खींचेगा पोज देखो। ये दहेज की गाड़ी में ठाकुर अपने घर जाते हुए, दहेज की गाड़ी में, दहेज का गाड़ी जच रहा है ठाकुर तुम्हारे ऊपर। सही है ठाकुर सही है। धीरे धीरे घर में जो है सारे गेस्ट आ रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ देखिए मम्मी सबको टीका कर रही हैं, सब आते हैं आज टीका सिंदूर करती हैं। तब धीरे धीरे सब आते रहेंगे घर में। हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। अभी ये कैसा पूजा रही है यार? तो बस हमारा खरना पूजा आज का यहीं पे जो है कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से हो गया। छठी मैया की कृपा से हमने बहुत अच्छे से खरना का पूजा भी आज हमारा हो गया। तो इस तरह से खरना पूजा मनाया जाता है। और बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैं मेरे हस्बैंड और प्रथम हम तीनों थोड़ा सा पीछे थे हर चीज़ में, क्योंकि इस साल हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया गया। तो मेरी सासू माँ मुझे बोल रही थी कि थोड़ा सा प्रीति तुम पूजा की किसी भी चीज़ में मत सटना, दूर रहना, बहुत बड़ा महापर्व होता है ये, हमें सोच समझ के हर चीज़ करना पड़ता है। बाकी छठी मैया सब जानती है, वो मन पढ़ती हैं सबका, वो मन देखती हैं सब पर, छठी मैया की कृपा बनी रहे। तो बस इसी कामना के साथ मैं आज का ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी को खरना पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।